श्योर श्योर। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले तो वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, मैं थोड़ा काम में बिजी था। देखो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर शॉर्ट पैटर्न की। इस वीडियो में मैं जो पैटर्न बताने वाला हूँ उस पैटर्न का यूज मैं पिछले 3 साल में जो भी जानता हूँ उसके बेसिस पे जो मैंने अभी तक सीखा है और मैं तनिष्क VIP ग्रुप में जो सिग्नल देता हूँ उसके बेसिस पे भी कभी कभार देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आपको वो पता चलने वाला है क्या पैटर्न होने वाला है, कब हमें कैसे यूज करना है, क्या प्रिकॉशंस है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सारी चीजें बताऊंगा। ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट वन होने वाला है। जितने भी लोगों को नहीं पता है एक बार रिवीजन बता देता हूँ। बाइनरी ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक कर लेना, जिसमें हम सीखते हैं रिवर्सल ट्रेडिंग और हम एक रिवर्सल ट्रेडर है, रिवर्सल ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक साइकोलॉजी के बेस पे, ठीक है। और उसी के बेस पे हमारे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स होने वाले हैं। सो शॉर्ट शॉर्ट की अलग प्लेलिस्ट रहेगी जिसमें हम शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। हाँ ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी दोनों को इंक्लूडेड करके रहेगी चीज़ें। बट क्या रहेगा ना, इसका यूज आप जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तब करो, वरना जब हमें ट्रेड करना है वैसे तो करना ही है। चलते हैं PC की स्क्रीन पर एंड जानते हैं पैटर्न कौन सा है। सो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर कॉर्टेक्स के चार्ट पर। जितने भी लोगों ने कॉर्टेक्स पर अकाउंट नहीं बनाए अभी क्रिएट करो अपना न्यू कॉर्टेक्स डेमो अकाउंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर पैटर्न कौन सा है, किस पैटर्न के बेस पे हमें ट्रेड करना है। देखो इस पैटर्न का नाम हम शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न वन दे रहे हैं। शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न वन इसी के बेस पे हम जानेंगे, लाइक शॉर्ट शॉर्ट वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा। और इन पैटर्न्स के दौरान अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो ऐसा नहीं बोलोगे कि भैया ये वीडियो नहीं, भैया शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न वन में मुझे डाउट है, शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न टू में मुझे डाउट है, ये चीज़ है, ठीक है। अब देखो पैटर्न कौन सा होने वाला है। पैटर्न हमारा होने वाला है, आपने भी देखा होगा उस चीज़ को, वो है रेड ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न। रेड ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट में बहुत बार बनता है, हाँ कभी कभी नहीं बनता बट बहुत बार बनता है। और उसी बहुत बार बनने के टाइम पे हमें अपना फायदा उठाना है, हमें अपना फायदा नहीं उठाना है मतलब ट्रेड करके प्रॉफिट उठाना है। रेड ग्रीन रेड ये पैटर्न जो दिख रहा है। फर्स्ट चीज पैटर्न क्या है, ये पैटर्न है, ठीक है। What is pattern? Red green continuous candle create होना, ये pattern है। Second चीज, हमें trade कब लेना है और उसके लिए क्या situation चाहिए। Second चीज, हमें trade कब place करना है, हमें trade तब place करना है जब 1, 2, 3, 4 ये चार pattern create हो जाए। Red green first चीज clear, ऐसा create हो और red या green break हो जाए, जिससे कि रेड ग्रीन उसके बाद ग्रीन के बाद अगर ग्रीन बने तब हम ट्रेड लेंगे, किधर लेंगे बताऊंगा, या फिर ग्रीन के बाद रेड आ जाए और उसके बाद फिर रेड आ जाए तब हम ट्रेड लेंगे, किधर, रिवर्सल। बेसिक से चीज़ें हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, कंटिन्यूशन नहीं जा रहे हैं, कब जाएंगे वो बताऊंगा अगर कोई पैटर्न आएगा तो। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, पैटर्न ये है रेड ग्रीन। सेकेंड चीज़ कब ट्रेड लेंगे कि चार कैंडल्स का पैटर्न होना ही चाहिए और पैटर्न जब ब्रेक होगा, रेड ग्रीन का पैटर्न है, वो पैटर्न ब्रेक हुआ चाहे ग्रीन चार का पैटर्न बन गया, उसके बाद ग्रीन के बाद ग्रीन की तरफ ब्रेक हुआ तब हम ट्रेड लेंगे, या ग्रीन के बाद रेड बना और रेड के बाद रेड की तरफ ब्रेक हुआ तब हम ट्रेड लेंगे। थर्ड चीज़, ट्रेड हमें कब किधर लेना है, किस सिचुएशन में लेना है, कब अवॉइड करना है, ठीक है। चलो बताता हूँ ओके। USD EGP में ही बताता हूँ, वैसे USD TRY में अपॉर्चुनिटी बन रही है ट्रेड लेने की, एक ट्रेड ले लेता हूँ यहाँ पर, सोच रहा हूँ $10 की डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने यहाँ पर $10 की डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिए, वीडियो बना रहा हूँ बट होता है ना ट्रेडिंग करते करते मन होता है कि यहाँ पर कैंडल आ सकती है। फर्स्ट चीज़, यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंड रेजिस्टेंस जा रहा है, ट्रेंड डाउनवर्ड है, गैप अप भी ओपन हुआ है, यहाँ पर चांसेस एक रेड कैंडल है और यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर वैसे अगर ये सपोर्ट था पहले तो अगर रेजिस्टेंस वर्क करना चाहिए, ठीक है, ये देखते क्या होता है वरना इसे कवर करेंगे। USD EGP क्रूड था शायद, कौन सा मार्केट था, ये था जॉनसन ओटीसी में। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रीन रेड का पैटर्न बना है ये ट्रेड में, चलो जाने दो इसे हम कवर कर लेंगे। ग्रीन रेड का पैटर्न बना है और ये पैटर्न ब्रेक हुआ है ग्रीन की तरफ, तो जब ये पैटर्न जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें ट्रेड प्लेस करना है। अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ग्रीन के बाद ग्रीन आई है तो रेड के लिए ट्रेड प्लेस करना है, और अगर पैटर्न रेड में ब्रेक होता लाइक जैसे कि ये रेड ग्रीन रेड तो रेड के बाद रेड आई तो हम ग्रीन के लिए ट्रेड लेंगे। ट्रेड हमें रिवर्सल लेना है, जिस भी डायरेक्शन में पैटर्न ब्रेक होगा उसके अपोजिट, लाइक के कैसा पैटर्न जिस डायरेक्शन में चल रहा था वो पैटर्न फेल हो गया तो हम उधर जाएंगे, जैसे ग्रीन रेड तो रेड के बाद रेड आई तो हम अब के लिए जाएंगे
ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन के बाद ग्रीन नहीं तो हम डाउन के लिए जाएंगे। ट्रेन पैटर्न जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक होगा उसके अपोजिट ट्रेड लेना है। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। हमें पहली चीज़ ट्रेड कैसे लेना उसकी सिचुएशन सुनो। पहली चीज़ हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस करना है, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना है, ट्रेंड के अपोजिट पैटर्न ब्रेक होना चाहिए, समझे। सेकेंड चीज़ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का ध्यान रखना है, बताता हूँ क्या, और लेवल होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ट्रेंड यहाँ पर जॉनसन ओटीसी का मार्केट है, ठीक है। ट्रेंड यहाँ पर अपवर्ड चल रहा है, ट्रेंड यहाँ पर अपवर्ड चल रहा है। यहाँ पर देखो सिचुएशन बनी थी ग्रीन रेड की, ये चार पैटर्न कंप्लीट हो गए, ग्रीन रेड कंप्लीट हो गए चार पैटर्न। अब इसके बाद ग्रीन बनी, तो ग्रीन के बाद ग्रीन, तो मैंने क्या बोला हमें रिवर्सल जाना है रेड। बट यहाँ पर क्या, अगर हम रेड की ट्रेड लेते डाउन डायरेक्शन में, इस पर ट्रेड लेते डाउन की, तो क्या ट्रेंड के साथ होती नहीं, ट्रेंड के अपोजिट हो जाती ना, ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाना है। जो पैटर्न है, जो पैटर्न ब्रेक होगा, ये क्या है, ग्रीन के बाद रेड आ रही थी, मतलब पैटर्न चल रहा हमारा ग्रीन रेड। अब जब भी ब्रेक होगा हमें ट्रेंड लेना है, बट पैटर्न क्या चलता है, ग्रीन रेड ग्रीन। अब यहाँ पर रेड आनी चाहिए थी पैटर्न वाइज, बट यहाँ पर ग्रीन आई, मतलब क्या हुआ, पैटर्न ब्रेक हुआ। अब पैटर्न जो ब्रेक हुआ क्या वो ट्रेंड के अपोजिट हुआ है, पैटर्न ट्रेंड के अपोजिट ब्रेक होना चाहिए, ट्रेड हमें ट्रेंड के साथ जाना है। ग्रीन के बाद ग्रीन आई मतलब ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनती क्योंकि ट्रेंड अपवर्ड है। बट अगर रेड, इस रेड के बाद यहाँ पर रेड आती तो हम नेक्स्ट कैंडल पर अप की ट्रेड लेते ट्रेंड के साथ, मतलब रेड के बाद यहाँ पर ग्रीन रेड और यहाँ पर भी रेड आ जाती, मतलब क्या हुआ, पैटर्न ब्रेक हुआ रेड ग्रीन का, और रेड के बाद रेड यानी कि सेलर्स, यानी कि डाउन ट्रेंड वाली चीज़, तो डाउन ट्रेंड वाली क्रिएट सेलर्स क्रिएट हुए, बट ट्रेंड किस डायरेक्शन में, बायस के डायरेक्शन में, यानी कि अप ट्रेंड में, अब ट्रेंड में डाउन डायरेक्शन में ब्रेक हुआ है रेड ग्रीन का पैटर्न, तो हमें अपोजिट ट्रेंड लेना है, लाइक ग्रीन के लिए ट्रेंड लेना है, इतना समझे। तो ट्रेंड के साथ ट्रेंड लेना है और पैटर्न जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेक होना चाहिए। और देख लेते हैं एक तो चीज़ें, और जहाँ पर अगर मुझे लाइव पोजीशन मिलती है बताता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखो, इसमें ऐसा नहीं है कि 100%, ये चीज़ ऐसी है कभी आपको मिले कभी नहीं मिले, जब दिखे तब ट्रेड करो, और कभी कभार लॉसेस भी होंगे लॉसेस, अगर इतने लॉसेस ना होता तो पता नहीं क्या होता, मैं ज़्यादा सोने की चेन मोटी चेन पहन के बैठता, बट ऐसा नहीं है, लॉसेस होंगे और लॉसेस को कवर किया जा सकता है अगर आप मनी मैनेजमेंट से करो। आप कैसे भी ट्रेड करो, जब लॉस होगा तो उसे कवर करेंगे हम मनी मैनेजमेंट से, समझ रहे हो ना। अब ये चीज़ें समझिए आपने, अब मैं लॉजिक भी बताता हूँ क्या लॉजिक है इसके पीछे और किस तरीके से कब ट्रेड लेना है कब नहीं लेना है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, अभी थोड़ा सा मैं पैटर्न चेक करता हूँ, पैटर्न मुझे जा भी दिखे, ट्रेंड के अगेंस्ट पैटर्न ब्रेक होगा तब हमें ट्रेड लेना है ट्रेंड के साथ रिवर्सल। सेकेंड चीज़, वहाँ पर अगर लेवल है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ चुकी है। अगर वहाँ पर लेवल होगा तो रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा है, सिंपल सी चीज़ है। लेवल क्या काम करता है, लेवल ये काम करता है कि मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करना। देखो यूएसडी पीआर में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, ट्रेंड अपवर्ड है, ग्रीन रेड का पैटर्न चार बार बन चुका है। अभी हमें अगर ग्रीन के बाद ये भी ग्रीन बन जाती तो हम डाउन की थोड़ी ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर ट्रेंड डाउन होता तो हम क्या करते, डाउन की ट्रेड प्लेस करते और यहाँ पर चेक करते कोई लेवल है कि नहीं। बट अगर ये कैंडल रेड बनती और इसके बाद फिर से रेड बने तो हम अप की जा सकते हैं, लेवल देखेंगे है कि नहीं और किस तरीके की कैंडल बनती है। एक चीज़ बताता हूँ, और कैंडल जो बनेगी कभी कभी क्या होगा, लेवल वहाँ नहीं होगा। अब वहाँ पर अगर लेवल नहीं है तो क्या हम ट्रेड नहीं लेंगे, ले सकते हैं बट थोड़ी सी एक्यूरेसी कम रहेगी। और वहाँ पर ये चेक करना है कि जो कैंडल हमारी बनेगी उसमें ज़्यादा बड़ी वीक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी वीक लाइक अब नॉर्मल, जैसे ये बड़ी वीक है दोनों तरफ बराबर होगी तो चलेगा, लेकिन ऐसी नहीं होना चाहिए, ये वीक जैसे कि ये रेड थी, इसके ये रेड है, उसके बाद ये रेड बनी, इतनी बड़ी वीक, क्या होगा कि इसके अंदर और रेड कैंडल आ जाएगी तो एरर आ सकते हैं ना। जैसे कि रेड के बाद ये रेड ब्रेक हुआ, यहाँ पर देखो ये ब्रेक हुआ, तो हम क्या इस पर आप तो जा सकते हैं बट हम जाएंगे नहीं, चाहे लेवल भी हो क्योंकि चांसेस है कि इस वीक को फुलफिल करने के लिए कैंडल आ सकती है। बट अगर लेवल नहीं है और इस तरीके की वीक है तो भी नहीं जाना, और लेवल नहीं और इस तरीके की नहीं, इस तरीके की कैंडल बनी है ब्रेक करने के बाद, जैसे या फिर रेड के बाद रेड ऐसी कैंडल बनी है तो हम जा सकते हैं भले ही लेवल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर चांसेस है कि रिवर्सल होगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं, जो सेलर्स थे वो शायद खत्म हो चुके हैं, बायर्स अचानक से आएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये कैंडल हो सकता है रेड आ जाए, पैटर्न तो ब्रेक हुआ है बट हमारी कंडीशन है कि ट्रेंड के हमें साथ जाना है। अभी यहाँ पर ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है और हम डाउन के ट्रेड यहाँ पर प्लेस करना नहीं सही है, वैसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही थी, ट्रेंड की कमी थी बस, यहाँ पर देखो यहाँ पर भी नहीं बन रही है। ओके फाइंड करते हैं, हाँ यहाँ पर नहीं, प्रियोजी भी कर अभी तो हमने देखा वही तो है, ठीक है। मुझे पैटर्न दिखता तो बताता हूँ,
अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक जान लो। लॉजिक ये है कि यहाँ पर बना हुआ था, इसको मैं समझाता हूँ। ग्रेड ग्रीन रेड ग्रीन जब पैटर्न चलता है वहाँ पर सेलर्स बायर्स दोनों की फाइटिंग चलती है, लाइक के दोनों इक्वल बेस पे रनिंग करते हैं, अप डाउन रनिंग करते हैं। अब जैसे ही रेड के बाद रेड या ग्रीन के बाद ग्रीन तब कोई कभी भी आ जाता है, अभी ट्रेन को साइड करते हैं, तो होता ये है ना कि जैसे कि रेड रेड चल रहा था, ग्रीन ग्रीन चल रहा था, ग्रीन रेड ग्रीन चल रहा है, और ग्रीन के बाद रेड आने के बजाय ग्रीन के बाद ग्रीन आ जाता है, तो वहाँ पर जो बायर्स थे उन्होंने विनिंग निकाली है एक छोटे टाइम के लिए। बट जो सेलर्स वहाँ पर थे जो पैटर्न में साथ चल रहे थे रेड ग्रीन, वो सेलर्स क्या करेंगे, लेवल मैंने क्या बोला, लेवल होगा तो अच्छा रहेगा, तो लेवल के जरिए और ट्रेंड पे, ट्रेंड उनका सबसे बड़ी पावर है। जैसे ही पैटर्न ब्रेक हुआ और ट्रेंड के अपोजिट ब्रेक हुआ, जो कि हमारी कंडीशन है, ट्रेंड के अपोजिट, जैसे कि यहाँ पर देखो ये रेड के बाद रेड आई, ट्रेंड के साथ ब्रेक हुआ, बट ग्रीन के बाद ग्रीन आती, तो ट्रेंड के अपोजिट यानी डाउन ट्रेंड है, बट ग्रीन के बाद बायर्स के पास बायर्स आ गए, तो क्या कि जो सेलर्स का प्रेशर है ऑलरेडी, और जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी यहाँ पर रेड ग्रीन की जो बन रही थी प्रेशर से, वो दोनों मिक्सअप होकर यहाँ पर क्या करेंगे, एक सेलर्स की कैंडल आना जरूर चाहेगी और आएगी भी, और लेवल होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहे, क्योंकि जो बायर्स थे उन्होंने अपनी पावर पूरी लगाई, लेकिन जो सेलर्स थे जो इस वक्त पे थे यहाँ पर रेड ग्रीन की वजह उसी वक्त पे थे, और साथ ही साथ जो पूरे ट्रेंड में है, वो एक कैंडल लाने का जरूर ट्राई करेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो ये मेन चीज़ रहती है यहाँ पर, जो कि मैंने खुद ने जाना, ये कोई मैं किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, कोई स्पेशल चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये जो मैंने खुद ने समझाया और खुद मैं यूज़ करता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी ट्रेड अच्छी विन होगी अगर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करके समझ के करते हो, और कभी कभी लॉसेस भी होगा, तो कोई ना होता है वो, तो उसे हम कवर करो मनी मैनेजमेंट से, और होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या इसमें हमें मार्टिंगल का इस्तेमाल करना है, एमटीजी यूज़ करना है? मैं आपको हमेशा कहता हूँ रिवर्सल ट्रेडिंग में एमटीजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और किया जाता है, और मैं करता भी हूँ, मैं खुद तो करता हूँ, सजेस्ट करूँगा ए वन स्टेप मार्टिंगल जाना, अगर लॉस होता है तो वन स्टेप मार्टिंगल, मतलब एक बार और ट्रेड लेना, मतलब मार्टिंगल यूज़ कर लेना वन स्टेप, ठीक है, सही रहेगा, मार्टिंगल यूज़ करना है इसमें मेरे सजेशन के हिसाब से। अभी देखो यहाँ पे मैकडोनल्ड ओटीसी में कैंडल बन रही है रेड ग्रीन, ये ग्रीन बनी, अब ग्रीन के बाद अगर ग्रीन बनती है तो हमें फ़ायदा ही नहीं है, हम डाउन की थोड़ी लेंगे, ट्रेंड तो पड़े, बट ग्रीन के बाद रेड आती है, रेड, और रेड के बाद फिर रेड आती है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे लेवल है कि नहीं, और लेवल के पहले चेक करेंगे कैंडल की विक तो ज़्यादा बड़ी नहीं है इस तरीके से, देखो यही देखो कि लॉन्ग तो नहीं है इतनी बड़ी जिसने ब्रेक किया है, तो होगा क्या कि वहाँ पे एरर आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, चाहे लेवल भी हो, बट फिर भी ऐसे सिचुएशन में अवॉइड कर दो जब वीक इतनी बड़ी हो, समझ रहे हो ना? उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे, समझ रहे हो तो लाइक कर दो वीडियो को फटाफट से, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर NZD गेट में सिचुएशन बन रही है ग्रीन रेड, हाँ ठीक है, ये कैंडल अगर रेड बनती है तो मैं अपकी डेट प्लेस करता हूँ, अरे थोड़ा सा लेट हो गया, देखो यहाँ पर NZD गेट में परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बनी है, वैसे तो यहाँ पर लेवल भी है, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हम कहेंगे, हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है NZD गेट में, लाइव मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने लाइव ट्रेड प्लेस किया आपके सामने। यहाँ पर देखो फर्स्ट चीज़ लेवल को हटाते हैं, ग्रीन रेड चार स्टेप का फुलफिल हुआ। सेकंड, जिस कैंडल ने ब्रेक किया वो ट्रेंड के अपोजिट होना चाहिए, ट्रेंड यहाँ से अपवर्ड चल रहा है तो ट्रेंड के अपोजिट रेड की तरफ ब्रेक हुआ। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, कैंडल की ज़्यादा बड़ी वीक नहीं होनी चाहिए लॉन्ग, जो कि इसकी लॉन्ग वीक नहीं है, लेवल होगा तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर लेवल भी है, सारी कंडीशन फुलफिल है। यहाँ पर देखो प्रेशर बहुत ज़्यादा अगेंस्ट लग रहा है, बट देखते हैं फिर भी क्या होता है। 5 सेकंड कैंडल देख रहा हूँ मैं, क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। 50 सेकंड कैंडल में भी, 50 सेकंड की कैंडल ये देखो, बट कितना टाइम बचा है, हाँ 5 4 3 2 1 ओके, कितनी क्लियर, कितनी स्मूथनेस के साथ ये ट्रेड हमारी विन हुई है, जो हमारा स्टार्टिंग में ट्रेंड और लॉस हुआ था वो भी कवर कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। पोजीशन $240 के साथ है, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार चार्ट देख लो, ठीक है। लाइक करो, ठीक है, समझे किस तरीके से ट्रेड की, समझे कि नहीं समझे, उम्मीद करता हूँ समझे होंगे, और देखते हैं और समझाने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर देखो फिर बन रही है USDPKR में, देखते हैं यहाँ पर क्या क्रिएट होता है, समझे आप, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, चाय पी लेता हूँ फटाफट, रुको। USDPKR में भी एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बट यहाँ पर ग्रीन के बाद ग्रीन, जैसे यहाँ पर इस तरीके से आई थी, अगर ऐसे आएगी तो नहीं काम का, बट रेड के बाद रेड आएगी तो हम जा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी लॉसेज भी होगा, और कोई पैटर्न में बताने से आप प्रॉफिट नहीं कर लोगे, सीरियसली बोलूँ, पैटर्न बता के दिन भर बैठे रहोगे, हाँ कर सकते हो, बट जितने लोग नए हो उनका प्लेलिस्ट चेक करना, और आपको भी पता है अगर आप मुझे जानते हो,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक साइकोलॉजी, ये चीज़ें मायने रखती है। ये चीज़ें कैसी है पैटर्न वाली, कि आपको दिखी तो आपने ट्रेड ली, वरना मार्केट को तो हम देखते ही रहते हैं 24 घंटे। ये चीज़ें है ना, मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज़ को जानो समझो और हर चीज़ के बेस पे प्रॉफिट करना स्टार्ट करो। आप सब कुछ पता होना चाहिए आपको। कल को किसी और को ट्रेडिंग के बारे में बताओ, वो बोले वायर तुम्हें इतना सब कुछ पता है। बोला सीखे के साथ, सर से सीखे। तो ये ग्रीन के बाद ग्रीन बन गई, हटाओ, समझे ना। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में शॉर्ट शॉर्ट वन आपने डन किया होगा। शॉर्ट शॉर्ट वन आपने जाना होगा। देखो, कोई स्पेशल चीज ऐसी नहीं थी जो कि मैं बताता या फिर मैं ढूंढू। सच बोलूं, इसको ढूंढने में भी टाइम लगेगा और कुछ स्पेशल ढूंढा मैंने। एक चीज़ क्लियर करता हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट पर अभी मेरा टाइम टेबल सुन लो पहले तो, कि संडे को शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न की वीडियो आएगी, वेडनेसडे को कॉन्टेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग की वीडियो आएगी, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक साइकोलॉजी एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके आपको लाइव ट्रेड करके मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, लाइव ट्रेड की वीडियो आएगी, मतलब लाइव नहीं आने वाला हूँ। एंड फ्राइडे को जो हमारा कोर्स चल रहा है, प्लेलिस्ट सेक्शन में बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, उसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखो कि अगर मैं बात करूँ पैटर्न की, अगर मैं बात करूँ लाइव ट्रेडिंग की, अगर मैं बात करूँ सिखाने की, उस सिखाने के दौरान मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं कि पहले जाके गाइस देखो पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से वर्क किया, या फिर ये इस तरीके से वर्क किया कि इस तरीके से पैटर्न बना और कभी लॉस देखने को मिला। ऐसा नहीं कि दूसरे यूट्यूबर की तरह कि मैं पीछे गया और मैंने बोला देखो गाइस ये पैटर्न बना, यहाँ पर ऐसा मार्केट वर्क करता है और ये चीज़ ऐसे वर्क करती है, ऐसा नहीं। लाइव में बता रहा हूँ, लाइव में लॉसेस भी होंगे, कभी प्रॉफिट भी होगा। लॉसेस होंगे तो उस समय ये बताऊंगा मैं कि हाँ देखो यहाँ पर लॉस हुआ बट हम इसे कवर करेंगे। प्रॉफिट होगा वहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि देखो हमने प्रॉफिट किया है, समझ रहे हो ना। क्योंकि लाइव चार्ट पे अगर 100% प्रॉफिट की गारंटी होती तो मैं बहुत कुछ कर लेता, बट नहीं, जो नॉलेज मुझे पता है वो मैं देने का ट्राई करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा कोई पेड कोर्स नहीं है, पेड सिग्नल्स नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, आज से ही लर्निंग कितना टाइम लगेगा भैया मुझे सीखने में, 2 महीने आप मेरे साथ सीख जाओ बस, बहुत कुछ जान जाओगे, गारंटी देता हूँ आज से ही, अगर आज पहली बार देख रहे हो तो। और अगर लर्निंग 2 महीने तो लग रहे, बट लर्निंग के साथ साथ अगर आज से अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आप जो भी मेरी वीडियोस देखोगे, कुछ भी डाउट आता है पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइडेंस करता हूँ। साथ ही साथ लर्निंग के साथ साथ अर्निंग के लिए मैं कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, जिसका यूज़ करके आप ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है, जाकर चेक करना एक बार, सारे रिजल्ट हैं। और जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ, कोई मेरे पेड सर्विस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पेड कोर्स वगैरह कुछ नहीं है, तो स्कैमर से भी अवॉइड रहना, ठीक है, अवेयर रहना। बाकी का देखो यहाँ पर पिवजर ओटीसी में, एनसीओटीसी में अगर एक कैंडल रेड बनती है तो हम अपवर्ड के लिए जा सकते हैं। वैसे तो ट्रेंड अपवर्ड चेंज हो रहा है, छोटा रिस्क लेंगे, अगर रेड बनती है तो ग्रीन बन जाती है, तो देखते हैं एक बार इस पैटर्न को ब्रेक होने देते हैं, हमारे आंखों के सामने बन रहा है तो इसे क्यों जाने दें, 2-3 मिनट रुकते हैं क्या हो रहा है। ग्रीन के बाद ग्रीन बनेगी तो नहीं जाएंगे, रेड बनेगी तो जाएंगे। वैसे यहाँ पर मैं पर्सनली बताऊँ, ट्रेंड डाउनवर्ड भी चल रहा है, ग्रीन के बाद ग्रीन बनेगी तो भी जा सकते हैं, और रेड के बाद रेड बनेगी तो भी जा सकते हैं, दोनों तरफ इसमें चांसेस हैं। अभी तो ग्रीन बन रही है, लगता है ग्रीन के बाद अगर ग्रीन बनेगी तो डाउन जाएंगे। ओके, अभी मैंने आपको बता दिया है वीडियोस अच्छी आएगी, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन बन गई, सेटअप टूर भी वीडियो जल्दी आने वाली है, एंड ड्रीम हाउस टूर भी जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब करके रखो फटाफट। 30,000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं। मेरा टारगेट है कि इस अप्रैल मंथ में हम 50K सब्सक्राइबर हिट करें, ताकि एक बढ़िया सा गिव अवे आपके लिए और एक स्पेशल चीज़ जो कि मैं जल्दी रिवील करूं, ठीक है, सबके साथ। तो सब्सक्राइब बटन हिट करो। देखो ये कैंडल ग्रीन बन रही है, अगर ग्रीन बनती है तो हम डाउन डायरेक्शन में जाएंगे। लेवल तो मुझे पहले दिख रहा है, बस कैंडल में ज़्यादा बड़ी अब नॉर्मल वीक नहीं होना चाहिए। ये लेवल यहाँ पर एक ये है, कहाँ गया, कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन कहाँ चला गया, अबे क्या थिकनेस बड़ी नहीं होती क्या, ऑप्शन कहाँ गया, रिफ्रेश कर लेता हूँ तब तक, टाइम अभी तो 9 सेकेंड। अरे इसका ऑप्शन कहाँ चला गया, चलो कोई ना, ट्रेड प्लेस करते हैं हम डाउन। वीक देखो बहुत बड़ी वीक छोड़ी है इसने, ये इस तरीके की वीक का मैं बोला था अवॉइड करना, चाहे लेवल भी है बट फिर भी अवॉइड करना। क्या चांसेस है, चाहे रेड आ जाए यहाँ पर बट हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर 1-2-3 कैंडल एरर आ सकते हैं, क्योंकि वीक यहाँ तक गई फिर सेलर्स आए तो बायर्स का अटैक करेंगे कि चलो उस गैप को फुलफिल करो। ऐसी सिचुएशन में ट्रेड नहीं लेते हैं, देखते हैं कैंडल रेड बनती है फिर भी ग्रीन बनती है, रेड बनेगी तो चलो कोई ना, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर हर जगह ऐसी ट्रेड मिस होती भी है, जितना सेफ्टी से चलोगे उतनी जगह मिस होगी चीज़ें, बट कोई ना,
ये तो गई डीप फिन जा रही, डीप फिन क्या मतलब गई, बट कोई ना, देखो मैंने बोला है कि एसी वीक बने तो ट्रेड अवॉइड करनी है, ध्यान रखना ओके। मैं चाहता तो ट्रेड प्लेस कर देता दिखाने के लिए, बट नहीं ना, रूल रूल होता है, मैंने रूल फॉलो किया आपको भी फॉलो करना है, वरना जब मैं क्या बोलता हूँ, जब लॉस हो तो ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ। चलो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, शॉर्ट शॉर्ट समझ, कैंडल रेड बन गई। कुछ भी डाउट है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर देना, एंड फटाफट मुझे टेलीग्राम पर जाकर अर्निंग करना चाहते हो बोल देना, भैया मुझे लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी करना है, कैसे करूँ मैं आपको गाइडेंस दूंगा अवेयरनेस कैमर से। एंड सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ इस शॉर्ट शॉर्ट की वीडियो पे, अगर 500 लाइक आ जाते हैं नेक्स्ट शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जल्दी आएगी। प्रैक्टिस करना और बताना मुझे कि हाँ टेलीग्राम पर जाके कि भैया सच में सही से वर्क कर रहा है नहीं। इस वीडियो पे लाइक करके, कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर सेंड करना, मेरी तरफ से आपको फ्री गाइडेंस रहेगी लर्निंग रिगार्डिंग ओके। बाकी का मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ट्रेडर्स, सीखते रहो लर्निंग करते रहो। और हाँ, प्लेलिस्ट इधर आसपास कहीं दिख रही होगी, उस पर क्लिक करके क्लास एक देखो, जाओ, बाय बाय।